हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्त, मैंने सोचा था कि वीडियोस अब शायद ही बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बोला था कि 75% वालों के लिए बनाते रहिए। मैं शुरू से ही आपके साथ था और अभी भी आपके साथ हूँ। कल भी मैंने वीडियोज़ बनाए तो उसमें बहुत सारे हेट्स कमेंट भी आए थे, लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि 75% वालों के लिए वीडियोज़ बनाना बहुत ज़रूरी था। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनका सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर सका, तो सोचा उनको वीडियो में इंक्लूड करके उन पर सीधी सी बात कर लूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे और आप लोगों को क्या करना है। अभी से जो हो सकता है, अभी बहुत सारी संभावनाएं, ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, संभावनाएं बहुत बची है। दोहरी चरण प्रक्रिया सरकार अपनाने पर मजबूर हो सकती है अगर आप लोग ये काम करोगे तो। तो चलिए सबसे पहले कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिनका 85% हो चुका है, अब जिनका कन्फर्म हो चुका है मिलेगा, वो फालतू कमेंट्स यहाँ आकर अगर करते हैं तो करने दीजिए, उनका अपना अलग सोच है। और एक से दो कमेंट एक्स्ट्रा जो आते हैं वो कोई ना कोई यूट्यूबर होते हैं जिनका खुद का तो चलता नहीं, बस यहाँ आकर उनको कुछ ना कुछ करना होता है एक्स्ट्रा, तो उन पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना ही उनका आप रिप्लाई करो ना ही मैं करूँगा, तो फालतू करते हैं बकवास आकर, करने दिया करो। चलिए अगला कमेंट है कि देखिए इन्होंने लिखा है कि सर मेरा 82 है, तो है ST से है। अब देखिए ST का भी दिया है 85% कर, तो देखिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था जब मुझे ये शक होने लगा था कि 85% वालों को देगा। और अभी मैंने हाल फिलहाल में जब शिक्षा मंडल से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि दोहरी चरण प्रक्रिया से संबंधित कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर 75% वालों का ले रहा है। तो योजना ख़त्म नहीं हुई, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा 2018 का वो दिन जैसे मैं आपको सपोर्ट करता था, वैसे आप भी सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। मैं पहले ही मना कर चुका हूँ कि अगर अच्छा लगे तभी करना, लेकिन शेयर नहीं करोगे, शेयर रुक जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकार को दिखना चाहिए कि इतने बच्चे मजबूर हैं और जिन यूट्यूबरों को आपने सपोर्ट देकर आगे पहुँचाया है, जिनने सब दिन बोला है कि 75% वालों को मिलेगा, उन्होंने कमेंट में रिप्लाई देता था 75% वालों को, अभी बोलो उस पर कि इसको वीडियो बनाइए इस पर और हक के लिए लड़िए। अगर वो पीछे हट जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर करना दोस्त, मैं बातें करता हूँ, और रीट्वीट जितना हो सके करते रहना। जिनको लगता है रीट्वीट नहीं कर सक नहीं से कुछ नहीं होता है, तो वो जरा 2018 के उन बच्चों से मिल ले जिन्हें रीट्वीट करके ही इतना फ़ायदा मिला था, तो जाकर पहले पता कर ले। आई नो कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था ख़राब है, अभी नहीं लेकिन 3 से 4 महीने बाद ही सरकार दे, बस अभी योजना का केवल इनॉग्रेशन कर दे। यानी आपको सीधी सी बातों में कहूँ तो वो सिर्फ ये दिलासा दिला दे कि हम आपको बाद में देंगे, अभी हमको नहीं चाहिए। अरे ये तो बोल दो कम से कम 6 मंथ बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा सही, पहले ये कन्फर्मेशन कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है कि हमारा क्या होगा, अब कोई सजेशन दो सर क्या करे, 78% जनरल वही होगा दोस्त जो मैं बोल चुका हूँ ऊपर, आपको वही करना है। और उन यूट्यूबरों को जिसने आपको सब दिन सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपने भी उनको सपोर्ट किया, उनके वीडियोज़ को देखा, उनके वीडियो को शेयर किया, उनके लिए अब बोलो कि आप मेरे लिए खड़ा हो, मेरे लिए कुछ करो, तो उनकी बारी है, अब वो कुछ कर सकते हैं आपके लिए। आइए अगला कमेंट दिखाता हूँ। नेक्स्ट कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। फाइनली अच्छा 85 पर मिल रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है मैं ST से हूँ, 75% है, लैपटॉप योजना लाभ मिलेगा कि नहीं। मिलेगा दोस्त, बस वही काम करना, मिलेगा अभी उम्मीद रखो, उम्मीद अभी मत तोड़ना, क्योंकि अभी 50% उम्मीद बनी हुई है। दोहरी चरण प्रक्रिया 2018 में हुई थी तो इस बार भी हो सकती है, लेकिन आप 2018 की तरह एकता दिखाओ, 2018 के बच्चों ने जैसे किया था वैसे करो, कुछ तो करो, घर पर बैठे कुछ नहीं हो सकता। आगे देखिए, अब देखो ये वो बच्चे होते हैं या वो एक यूट्यूबर होते हैं जिनका खुद का चैनल नहीं चलता, या वो बच्चे होते हैं जिनका 85% हो गया, तो ऐसे कमेंट्स पर ध्यान मत देना, ये बकवास करने ही आते हैं, इनको बकवास करते रहने देना, मैं इनके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी नहीं। ये देखिए क्या क्या लिख के रखा है, धराधर फेंक रहा है, फलना ठिकाना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी अपनी चीज़ है, इसको लिखने दो। देखिए रामचंद्रा जी का, इनका कमेंट्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये भाभी भाई काफ़ी सीरियस बातें करने लगे। इन्होंने लिखा जिसका 75% से ऊपर है, 85 से है, हम कम है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करो भैया भाइयों और बहनों, हेल्प प्लीज़। हाँ देखिए, अभी एक ऑप्शन हो सकता है, आप एक दूसरे के सपोर्ट से कहें, मैं कह रहा हूँ कि मेरी ही नहीं, कोई भी ऐसे यूट्यूबर हो जो 75% पर वीडियोज़ पहले बनाते थे, तो अभी भी बोलो उसको वीडियो बनाने, अभी भी मेरे पास भी लिस्ट है, मैंने लिस्ट का भी एक भी वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मैं 75% वालों के लिए था, अभी भी हूँ और रहूँगा, उसके लिए जो करना होगा करेगा, मैं भी करते रहूँगा आप लोगों को। लेकिन वीडियो को शेयर करना दोस्त, क्योंकि किसी ऐसे पदाधिकारी तक पहुँचाना जहाँ उसे लगे कि बच्चे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम है, 25,000 एक बिग अमाउंट होती है, वो आगे वहाँ पर उसको कोचिंग इन्वेस्ट करके एक जॉब के लिए अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सोच होनी चाहिए आपकी, और इसी सोच से आप वीडियो को शेयर करो, रीट्वीट करना ना रोकना, रीट्वीट एक बहुत ही बड़ा हथियार है अभी आपके पास। नेक्स्ट है, इन्होंने लिखा है सर जी मेरा 83.2% है, मैं OBC से हूँ, ये गलत है, मैं
हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी 84% जितनी 85% जी मैं आई नो दोस्त कि मैं ये मानता हूँ कि देखिए मेधावी छात्र योजना शुरू से मैं बोलता हूँ 70% से ही होना चाहिए, तो 70 ना तो 75% तो 100% होना चाहिए। तो यहाँ से किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कर लेना भाई, और कुछ भी होगा तो जो भी प्रॉब्लम होगा मुझ तक शेयर करना, मैं उसे दूर करने की दौड़ूंगा। और ये गोलू सायका गोलू जी ने लिखा था कि मैं कुछ करने की सोच रहा था, देखिए इन्होंने लिखा है मैं SC ST में 75% पर लैपटॉप नहीं मिला है तो कुछ खुदकुशी। तो देखो दोस्त आपकी जीवन की कीमत 25,000 रुपये नहीं, ये दोस्त आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं आप नीचे भी जाकर पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ मत सोचना कि ये कुछ कर लूँगा, ऐसी कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। 25,000 रुपये आपके लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकती है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकेले मैं 1 से 1.5 हज़ार बच्चों को लेकर नाच नहीं सकता अकेले। जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे, आप लोग वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं बोलता हूँ अगर अच्छा लगे तो ही करना, लेकिन शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर रुक जाएगा तो फिर आप रुक जाए, और रीट्वीट करते रहना, दिक्कत होगा पूछ लेना किसी तरह का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।